कुछ महीने पहले मैं आप सब के बीच आया था और हम सब मिलकर भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री निवास पर यशस्वी रूप से घेराव हमने किए थे और मुझे याद है उस दिन भी इसी प्रकार के खड़ी धूप में आप सब लोग मौजूद थे और हम सबको नियंत्रण करने के लिए हजारों संख्या में पुलिस को भूपेश सरकार ने नियुक्त किया था, बैरिकेड्स लगा दिया था, कंटेनर्स को लगा दिया था, युवा मोर्चा से डरकर हजारों हजारों पुलिस को भूपेश सरकार ने हम सबको नियंत्रण करने के लिए लागू किया था। पर उसके बावजूद भी हम बैरिकेड को तोड़कर कंटेनर को पार कर मुख्यमंत्री के ऑफिशियल निवास पर हम पहुंचे और घेराव कार्यक्रम को हमने यशस्वी किए, खड़ी धूप में हमने किए, पानी का बौछार को हमने सामना किए, लाठी को खाए, पर कार्यक्रम को हम यशस्वी किए। साथियों, युवा मोर्चा का ताकत क्या होता है इसको हम एक बार भूपेश जी को और उनकी तानाशाही सरकार को एक बार हमने ऑलरेडी प्रदर्शित कर चुके हैं। इस बार दूसरी बार युवा मोर्चा यशस्वी रूप से मुख्यमंत्री की के आवास पर हम घेराव यशस्वी रूप से करेंगे। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाकर युवा मोर्चा आज आप सबके बीच आया है। बहुत संक्षिप्त रूप में इस मुद्दे के जो सीरियसनेस है, इस मुद्दे का महत्व क्या है, इसको मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूं। वहां उपस्थित सभी अपना युवा मोर्चा कार्यकर्ता से मैं विनती करता हूं, आप थोड़ा यहां आइए, यहां थोड़ा ध्यान दीजिए। 10-15 मिनट में हम सब यहां से निकलेंगे और आवास पर घेराव करेंगे। मैं वहां सभी उपस्थित युवा मोर्चा कार्यकर्ता से आग्रह कर रहा हूं, साथियों आप यहां आइए और इसके बाद हम वहां जाएंगे साथ। साथियों, मैं पिछले बार जब यहां आया था तब आपके बीच मुख्यमंत्री जी के काम के शैली के बारे में, उनके कार्य वैखरी के बारे में मैं एक बात बताया था कि भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो सोनिया गांधी के कलेक्शन मास्टर है। 6 महीने पहले मैं ये बात बोला था। आज मैं जो 6 महीने पहले बोला था वो ठीक साबित हो चुका है। शराब का घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो या पीएससी का अभी का घोटाला हो, हर घोटाले में सीएम साहब अपने कलेक्शन मास्टर का उनका क्षमता दिखा रहा है। साथियों, मैं कई प्रदेशों में प्रवास किया, हर प्रदेश में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और एक पारदर्शिता से उसका चयन प्रक्रिया होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है। पर छत्तीसगढ़ में पिछले 3-4 साल से जिस प्रकार के पीएससी का सिलेक्शन हो रहा है, इसको देखकर मैं बहुत विश्वास के साथ, गंभीरता के साथ कह सकता हूं, देश के सबसे करप्ट, देश के सबसे भ्रष्ट और देश के सबसे घटिया पीएससी का कमीशन यदि है तो आज भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पीएससी छत्तीसगढ़ में है। ये कलेक्शन मास्टर के कमीशन राज को दर्शाता है,
कलेक्शन मास्टर के कमीशन राज को ये सीजीपीएससी स्कैम घोटाला दर्शाता है। जिस प्रकार से करप्शन हुआ है सोचिए, 3 साल पहले एग्जामिनेशन शुरू हो गया, 2021 में पहली बार प्रीलिम्स का चुनाव, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो गया और मेंस का जो एग्जामिनेशन हो गया वो 2021 में नहीं हुआ, वो 2022 में 1 साल के बाद हुआ और उसी साल रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन और इंटरव्यू नहीं हुआ। फिर 6-7 महीने के बाद इंटरव्यू हुआ और मेंस का इंटरव्यू के बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ। मतलब 1 साल के एग्जामिनेशन करने के लिए यहां के पीएससी 3 साल लेकर काम किया है, 3 साल। यूपीएससी आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए चुनाव करते हैं, हर साल एग्जामिनेशन होता है। सिर्फ 7-8 महीने में ही 20 लाख से अधिक युवाओं का एग्जामिनेशन बहुत यशस्वी रूप से, ट्रांसपेरेंट रूप से हो जाता है। पर 8 महीने में करने वाले एग्जामिनेशन को 3 साल में बांटकर इस सीजीपीएससी ने एग्जामिनेशन को किया है, यही दर्शाता है जिस प्रकार का कांड, जिस प्रकार का स्कैंडल इस पीएससी स्कैम में हुआ है। एक तो उदाहरण साथियों मैं देना चाहता हूं, जिस प्रकार का करप्शन स्कीम में हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस में हुआ है। एक विद्यार्थी, उसका नाम है नीतीश, उसको मिला है 7th रैंक। प्रीलिम्स में जब उन्होंने भर्ती किया एप्लीकेशन में, उनका पूरा नाम दर्ज हुआ था, उनका नाम था नीतीश सोनमानी। प्रीलिम्स में पूरा नाम उल्लेख हुआ था, बाद में मेंस में जब उन्होंने दूसरी बार एग्जाम दिया तब भी पूरा नाम उल्लेख हुआ था, नीतीश सोनमानी। तीसरी बार जब वो इंटरव्यू में आए तब भी उनका पूरा नाम दर्ज हुआ था, उल्लेख हुआ था, नीतीश सोनमानी। पर जब रिजल्ट आए, रिजल्ट के शीट में उनका नाम पूरा नहीं लिखा था, सिर्फ नीतीश ऐसा लिखा था और उनको पूरे स्टेट में 7 नंबर पे उनको मार्क दिया था, 7 नंबर पे उनको रैंक मिला था। बाद में पता चला कि ये नीतीश कौन है, ये 7th रैंक नीतीश कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, सीजीपीएससी के चेयरमैन तमन सोनमानी का दत्तक बेटा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।